हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम सिंप्लेक्स मेथड में हम देखेंगे बिग एम मेथड कैसे यूज करते हैं। फ्रेंड्स, बिग एम मेथड, एम यहाँ कुछ नहीं है, एम एक काल्पनिक संख्या होती है जो कि बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। यहाँ पे एम की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एम एक बहुत बड़ी संख्या है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो इनइक्वलिटीज हैं इनको इक्वेशंस में चेंज करते हैं। तो इक्वेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो अपने पास मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो यूं लिखा जाएगा, x1 + 5x2। और जो सब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो अपने पास इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड्स, 3x1 + 4x2। इसमें सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा, वो है +s1 जोड़ दिया हमने, =6। इसमें हमें सरप्लस वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा, वो ये इसको हम लिख देंगे x1 + 3x2 - s2। s2 ये सरप्लस वेरिएबल है, =2। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनाता। जैसे अगर हम इसको हम ax बराबर b फॉर्म में देखें तो a बराबर अपने पास जो होगा वो होगा अपने पास 3 4 1 1 3 -1 सॉरी 0 -1 एंड 0। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रहा कोई भी, हमें n क्रॉस n मतलब 2 क्रॉस 2। यहाँ पे जो कॉलम है उस कॉलमों के जितने कॉलम है उनकी उतनी रो होंगी। तो ये हो गया, हमारे पास 2 कॉलम है तो 2 क्रॉस 2 का हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ नहीं मिल रहा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक हमें वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा। उसको हम कोई और अलग नाम दे देंगे, यहाँ पे हम h3 देंगे। तो उसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो वही रहेगा मैक्सिमम x1 + 5x2 + 0 s1 + 0 s2। अब हम बिग एम मेथड यूज करते हैं, तो बिग एम मेथड में यह माइनस एम एम वन या यहाँ पे एम वन ही है क्योंकि हमें m2 नहीं जोड़ना, तो हम एम ही ले लेते हैं m, और ये s3, और subject 2 ये चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे पास 3x1 + 4x2 + s1 = 6। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें x1 + 3x2 - s2 + s3 = 2। फ्रेंड्स यहाँ s3 है कि हमारे पास एक सिर्फ काल्पनिक है, एक इमेजिन किया है हमने कि s3 को हमने ऐड किया है, लेकिन रियल में इसको कोई भी हमारे पास वो अस्तित्व नहीं होता। अब जैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, हम सिंपलेक्स टेबल से सॉल्व करेंगे, तो उसमें s3 को हमें निकालना होगा। अगर उसमें s3 एग्जिस्ट कर रहा है सिंपलेक्स टेबल में और सिंपलेक्स टेबल ऑप्टिमल आ जाती है, तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब फिर हम सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए यहाँ cbxb bcj ये रखते हैं। तो यहाँ पे सीजे की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 1500 - m, 1500 - m। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिखेंगे x1 x2 s1 s2 एंड s3। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिखनी है हमें cb लिखनी है, कॉस्ट वैल्यू क्या है अपने पास। पहले हम बेसिस क्या बना रहा है, हमें बेसिस जो बना रहा है वो अपने पास यहाँ पे बेसिस बन के आएगा, वो आएगा अपने पास यहाँ पे जो बेसिस बनाएगा उसमें 0 और 1 ऐड होंगे, तो ये वो बनाएगा अपने पास alpha 4 एंड alpha 5। तो यहाँ पे आ जाएगा x4 एंड x5 वाली रो हमारे पास ये बेसिस बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा x4 एंड x5, एंड ये हो जाएगा अपने पास 0 एंड -m। और फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे b की वैल्यू होंगी वो 6 एंड 2, b की वैल्यू यहाँ पे 6 एंड 2, तो ये जाएगा 6 2। अब बाकी हम a को एज इट इज पुट कर देते हैं, तो 3 1 4 3 1 0 0 -1 0 1। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम z z माइनस cj निकालते हैं।
अपना जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं तो उसके लिए हमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, माइनस इसमें करना होगा। जेड जे माइनस सी जे क्या होता है, जेड जे माइनस सी जे बराबर होता है सी बी एक्स बी माइनस सी जे। ये जेड जे माइनस सी जे के इक्वल होता है। ये निकालते हैं तो अब ये निकालते हैं तो ये माइनस एम माइनस एम माइनस वन ये हो जाएगा माइनस थ्री एम माइनस फाइव ये हो जाएगा फ्रेंड्स अपने पास जीरो, ये हो जाएगा अपने पास m और ये हो जाएगा अपने पास जीरो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं मिनिमम जेड जे माइनस सी जे, तो मिनिमम जेड जे माइनस सी जे क्या है अपने पास, ये है मिनिमम, क्योंकि ये m बहुत बड़ी संख्या है, पॉजिटिव संख्या है बहुत बड़ी, तो ये पॉजिटिव संख्या से हमने थ्री का माइनस थ्री का मल्टीप्लाई किया है तो ये और बहुत ही नेगेटिव संख्या हो गई, तो ये हमारे पास सबसे छोटी नेगेटिव संख्या हो गई। तो ये हमारे पास अल्फा टू ये एक्स टू वाला जो वेक्टर होगा वो एग्जिस्ट कर जाएगा। इसको हम ये भी देख सकते हैं अल्फा वन रो अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव, तो अल्फा टू हमारे पास एंटर कर जाएगा और जो अब यहाँ से बाहर जाएगा जो लीविंग वेक्टर होगा वो निकालने के लिए हमें एक्स बी आई माइनस वाई आई जे निकालना होगा। अब फिर से एक्स बी आई माइनस वाई आई जे निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिक्स अपॉन इसमें से सिक्स अपॉन फोर एंड यहाँ पे आ जाएगा टू अपॉन थ्री, और अब यहाँ पे मिनिमम एक्स बी आई माइनस वाई आई जे देखते हैं, तो मिनिमम एक्स बी आई माइनस वाई आई जे क्या ये है फ्रेंड्स जो कि इससे रिलेटेड है एस थ्री से, तो एल पे थ्री ये होगा एस थ्री जो होगा वो लीविंग वैक्टर होगा। अब फ्रेंड्स हम इसके लिए सिंप्लेक्स टेबल जो नई सिंप्लेक्स टेबल है वो बनाते हैं। अब फ्रेंड्स न्यू सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, उसमें लिख लेते हैं हम सी बी एक्स बी वी एंड सी जे। यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू। अब फ्रेंड्स यहाँ एस थ्री लिविंग वेक्टर कर लिविंग हो गया और साथ ही एम माइनस एम वाला है तो हम इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये हो जाएगा, यह हो जाएगा इसकी वैल्यू वन फाइव जीरो जीरो ये हो गया। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे जो है अल्फा टू एंटर कर रहा है और ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हो जाएगा अपने पास अल्फा टू की वैल्यू क्या है फाइव, या अल्फा टू या एक्स टू लिख सकते हैं इसको एक्स टू, और ये हो जाएगा हमें इसमें इसको वन बनाना है हमें, तो इसके लिए थ्री का डिवाइड करना होगा क्योंकि हमें इसको वन बनाना है और इसको जीरो बनाना है बाद में, पहले इसको वन बनाते हैं तो थ्री का डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा टू अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री वन जीरो माइनस वन अपॉन थ्री ये हो गया। अब फ्रेंड्स हमें इसको जीरो बनाना है, फोर वाले को जीरो बनाना है, तो इसके लिए इसमें हमें फोर का मल्टीप्लाई करना होगा और फोर का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको घटा देना है, मतलब फोर का मल्टीप्लाई इसमें करो, फोर का मल्टीप्लाई इसमें करो, हमें मल्टीप्लाई बाई फोर करो और इस फोर का मल्टीप्लाई करने के बाद आर वन को घटा दो, तो ये आर वन को घटाने पे अपने पास ये आ जाएगा वो आ जाएगा टेन अपॉन थ्री फाइव अपॉन थ्री जीरो जीरो एंड फोर अपॉन थ्री ये आ जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू है वो एक्स फोर है और यहाँ पे अपने पास जीरो। फिर से हम जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं फ्रेंड्स, तो जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं, तो जेड जे माइनस सी जे क्या होता है सी बी एक्स बी माइनस सी जे ये निकालते हैं, तो ये निकालने पर फाइव इंटू वन वन अपॉन थ्री किया माइनस वन किया तो ये आ जाएगा अपने पास टू अपॉन थ्री ये जीरो एंड माइनस फाइव अपॉन थ्री ये आ गया फ्रेंड्स। अब जब ये आ गया तो ये अपने पास नेगेटिव है तो इसको ये लीव कर जाएगा, सॉरी ये एंटर कर जाएगा, ये वेक्टर जो होगा एंटर कर जाएगा, एस टू जो वेक्टर होगा वो एंटर कर जाएगा, नहीं फिर माइनस फाइव अपॉन थ्री वाला जो सबसे नेगेटिव है ये अपने पास लीव करेगा। अब एंट्री वेक्टर जो होगा वो उसको निकालने के लिए हमें एक्स बी आई माइनस वाई आई जे निकालना होगा। अब फ्रेंड्स वो निकालने के लिए एक्स बी आई अपन वाई आई जे टेन अपॉन थ्री अपॉन फोर अपॉन थ्री करते हैं तो आ जाता अपने पास फाइव अपॉन टू, और दूसरे की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसमें माइनस का है तो माइनस है तो इसके हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
फिर हम प्रिज्म सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपने पास जो होगा एल्फ, ये एक्स फोर से रिलेटेड, तो एक्स फोर जो होगा वो अपने पास लिविंग वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे ये तो अपने पास कंफर्म हो गया कि फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन में एक गलती की है, वो की थी यहाँ पे X3 था, ये X3 था, जो X3 होगा वो एक्सिट वेक्टर हो जाएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास 1 है तो ये एक्सिट वेक्टर हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, तो वो आती है अपने पास सिंपलेक्स टेबल, वो आती है वो है CBXBBCJ। ये 1500 X1 X2 S1 S2। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने क्या किया, हमने पास X4 था वो एंट्री वेक्टर है, तो X4 और यहाँ पे X2, सॉरी यहाँ पे तो हमने वैल्यू आएंगी, इसकी वैल्यू जो वैल्यू पुट करनी है वो आएंगी, तो इसके लिए 4/3 का डिवाइड करना होगा, तो इसके लिए यह वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू होगी तो वो आएगी 5/2, और यहाँ पे जो आएगी, और यहाँ पे आएगा अपने पास X4 एंड यहाँ पे आएगा X3, यहाँ 0 एंड 5, सॉरी X2 ये आएंगे। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें हमने 4/3 का डिवाइड किया तो ये अपने 5/2 आ गया, इसमें डिवाइड किया तो ये आ गया अपने पास 5/4, 0 3/4 1, ये हमें 1 बना लिया। अब हम 1 इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, इनमें इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो। 1/3 का मल्टीप्लाई हमने रो 1 में किया है और रो 2 में इसकी रो 2 में 1/3 को ऐड किया है हमने, तो ऐड करने पे अपने पास आ जाएगा, यहाँ जो आएगा वो वैल्यू होगी 3/2, ये तो 3/2 आएगी। उसके बाद यही आएगा 3/4, ये 1/4 एंड 0। अब फिर हम जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं, जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं तो 5 × 3/4 − 1, तो ये आ जाएगा 11/4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5/4, इसी तरह 5/1/4 का मल्टीप्लाई किया तो 5/4 − 0, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सभी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, तो सो ऑप्टिमल टेबल टेबल इज ऑप्टिमल। ये हो गया फ्रेंड्स, जो टेबल हमारे पास ये ऑप्टिमल आ गई है। तो अब हम करते हैं ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो होगा अपने पास X2 = 3/2 एंड X4 = 5/2। तो 5/X2, तो जो X4 है अपने पास वो अपने पास X4 यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हमें X1 लेके चल X3 लेके चले, इसको X4 और इसको लेके चले हम X5, X1 X2 ये है अपने पास, तो ये हो गया अपने पास, ये X2 के इक्वल है, X2 = 5/4, सॉरी 5/2 ये है। लेकिन X2 जो है अपने पास वो अपने पास आर्टिफिशियल है, मतलब उसको हमने ऐड किया अपनी तरफ से, तो X2 को उसके सॉल्यूशन में नहीं लेंगे, तो X1 = 0 आ जाएगा और X2 = आ जाएगा 3/2, और जो ऑप्टिमल वैल्यू वो है अपने पास X1 + 5X2, तो हो जाएगा 5 × 3/2 = 15/2। फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका ऑप्टिमल वैल्यू आ चुकी है।